तीन साल बाद आपको गार्बेज सिटी नाम मिल गया। पूरे शहर में गार्बेज ही गार्बेज दिखाई दे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बीजेपी के लोग भूल गए, सड़कों की बात भूल गए, बिजली की बात भूल गए, पैसा लूटने में लग गए। हमने कांग्रेस पार्टी ने और आपने आईटी की बात की, सामाजिक क्रांति की बात की, उन्होंने अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां तोड़ा। भ्रष्टाचार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बीजेपी के लोगों ने कर्नाटक में तोड़ के दिखाया। सीधा 1,00,000 करोड़ रुपए माइनिंग स्कैम में आपका पैसा उठा के चुटकी चुटकी भर में उठा के ले गए। 4 MLA 2 मंत्री अभी भी जेल में है। और पहली बार आपके जो चीफ मिनिस्टर थे बीजेपी के चीफ मिनिस्टर वो जेल गए। पूरी दुनिया को पता लगा कि भाई बीजेपी कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर, बेंगलोर का चीफ मिनिस्टर करप्शन के लिए जेल में बैठा हुआ है। हमारी सोच और उनकी सोच में एक बहुत बड़ा फर्क है। सबसे बड़ा फर्क यह है कि वो सोचते हैं कि ये देश 2, 3, 4, 5 लोगों का देश है, बड़े बड़े लोगों का देश है। विकास हो, प्रगति हो तो सिर्फ उनकी हो, और जो बाकी आम जनता है, जो गरीब जनता है, आपके जैसे जो अपना खून देती है, जो अपना पसीना देती है, वो इस विकास में शामिल है। इसीलिए उन्होंने आपको इंडिया शाइनिंग जैसा नारा दिया। देखिए, अंग्रेजी में नारा दिया, नारा हिंदी में भी नहीं दिया, इंडिया शाइनिंग अंग्रेजी में आपको बता दिया। यहां पे आपका जो धन था, जो आपके नेचुरल रिसोर्सेस थे, वो उन्होंने एक परिवार को पकड़ा दिया, पूरे के पूरे रेड्डी भाइयों को आपका पूरा धन उन्होंने दे दिया। कहा भैया चलो इंडिया शाइनिंग करते हैं, लीजिए पैसा, नाच गाना शुरू, और कर्नाटक की जनता बस देखती रह जाए। ये हमारी राजनीति नहीं, ये हमारा काम नहीं। हम जनता के लिए काम करते हैं, कमजोर लोगों के लिए काम करते हैं, और हम एक पार्टनरशिप चाहते हैं। हम जानते हैं कि बिजनेस की जगह है, उद्योगों की जगह है, मगर हम उद्योगपति और गरीब जनता के बीच में एक पार्टनरशिप चाहते हैं। मिलकर दोनों काम करें, उद्योगपतियों को फायदा हो, बिजनेस को फायदा हो, प्रगति हो, ग्रोथ हो, और जो हमारी गरीब जनता है वो भी उस ग्रोथ में शामिल हो। इसलिए हमने आपको मनरेगा दिया। हम आपके पास आए और आपसे पूछा, भैया आप बताइए क्या कर सकते हैं हम आपके लिए।